हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे से बजाज का एक रूम मीटर रिपेयर होने के लिए आया है, जो कि मॉडल आप देख सकते हैं RX11 रूम मीटर है। ये पूरी तरीके से डेड है। मैं इसे सप्लाई पे लगाता हूँ। सबसे पहले ये मैंने सप्लाई पे लगा दिया है। ये इसका थर्मोस्टेट फुल है, ये देख सकते हैं। इसका ब्लोअर घूम नहीं रहा है, ठीक है, सीरीज़ पर लगा हुआ है, कोई कुछ नहीं बता रहा है। तो आइए इसको आपके सामने ओपन करके देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसके हमने सारे स्क्रूज खोल दिए। अब इसका हम कवर ओपन करते हैं। ये देखिए, हमने इसका कवर ओपन कर लिया है। तो रूम मीटर में मोस्टली क्या प्रॉब्लम आती है, मैंने अभी तक आप ओपन जस्ट आपके सामने किया है, कोई भी सामान मैंने अभी चेक नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी रूम मीटर को खोलते हो, मैक्सिमम रूम मीटर्स के ऊपर ये एक हीटिंग टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है। देख सकते हैं ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला। ये ओपन हो जाने की वजह से रूम हीटर पूरा डेड हो जाता है और ये कुछ भी नहीं बताता है। तो आपके सामने मैं कुछ भी चेक नहीं करूँगा, सिर्फ इसे ही चेक करूँगा। ये मल्टीमीटर है मेरे पास, इसको मैंने कंटिन्यूटी बजर मोड पे डाला, कंटिन्यूटी में। ये देखिए, कुछ भी नहीं बता रही है, मतलब ये ओपन हो चुका है। इसको क्या करेंगे, सीरीज पर लगाएंगे और बाईपास करेंगे सप्लाई में डायरेक्ट। तो मैं इसे सबसे पहले सीरीज पर लगा देता हूँ। इसके दोनों नॉब्स को पहले ब्लोअर पे डाल देता हूँ, थर्मोस्टेट को फुल कर देता हूँ। इसको अब ये मेरे पास प्लायर है, इसकी मदद से बाईपास करता हूँ। ये देखिए, ब्लोअर ऑन हो गया। तो प्रॉब्लम किस चीज़ का है, ये फ्यूज़ का है। ये फ्यूज़ अलग से नहीं मिलता है, अगर मिल भी जाएगा तो आप लगा नहीं पाओगे, क्योंकि ये देखिए रिपीट्स लगे हुए हैं, आपको पूरा एलिमेंट रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि इसकी जो एक ये वायर है तो इस वायर को इससे आपको कनेक्ट कर देना है, या जहाँ पे भी लगा उसको डायरेक्ट जोड़ देना है, या आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपके सामने ही मैं करता हूँ इसको। सबसे पहले इसको काट देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली वायर ये है, इसकी वायर ये है, तो हमको न्यूट्रल को निकाल के इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो इसका अपना कनेक्शन हट जाएगा, निकल गया। इस वायर को निकालेंगे, न्यूट्रल को डायरेक्ट इसमें जोड़ेंगे, उसके बाद इसमें हम कैप लगाएंगे। ये हमारी वायर फिक्स हो गई, इस वायर को हम कट कर देंगे। इस वायर को हमने कट कर दी, इसको हम चालू करके देखेंगे। ये देखिए, चालू हो गया, हमारा प्रोडक्ट रिपेयर हो गया। इसे अब हम टाई लगा के लॉक कर देंगे, ताकि वायर जले मत हीट होते से। पैक करते समय ये ध्यान रखेंगे कि इसकी कोई भी वायर एलिमेंट पे टच ना हो रही हो और ब्लोअर के ऊपर नहीं आ रही हो, ये एक चीज़ का ध्यान रखेंगे पैक करते समय। ये हमने पैक कर लिया, उसके बाद हम इसे लगाते हैं। ब्लोअर ऑन है, हीटिंग मोड पे डालते हैं, सीरीज ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट रिपेयर हो गया। इसे अब हम डायरेक्ट लगाते हैं। ये ब्लोअर हमारा चालू हो चुका है, कोई लोड नहीं लेगा अभी, हीटिंग मोड पे लोड लेना चालू ले हो गए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए हीटिंग हवा आ रही है। इसे हम सेकेंड मोड पे डालते हैं, इसका लोड डबल हो जाएगा। ये देखिए, मतलब ये हमारा प्रोडक्ट सही काम कर रहा है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो रूम हीटर के बारे में, क्योंकि मोस्टली रूम हीटर्स के बारे में छोटी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता है, एलिमेंट्स बदलना हर कोई बताता है, बट ये छोटी सी चीज़ थी जो 90% केसेस में हमने देखी है और हमें मिलता है फॉल्ट। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।